नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर, आज हमारे साथ मौजूद हैं शशि गुलवार जी, जिनका 1000 एचवर्स के रूप में देश के 100 वुमन एचवर्स ऑफ इंडिया के रूप में आपका चयन किया गया है। और आप इंदौर की बेटी हैं, पूना में रहती हूँ और अनेक उपलब्धियों लेकर की भी आपके साथ चुके हैं। हम बात करते हैं शशि गुलवार जी से। शशि जी, यहाँ पर आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और आपने जिस जो आयोजन यहाँ पर किया है, ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सार्थक चर्चा होगी, सार्थक कार्यक्रम सिद्ध होगा। और जो विषय उठाए हैं बहुत अच्छे हैं। और आप सबका आयोजन और जिस तरह की व्यवस्था है, काफ़ी प्रसन्नता है। मालवा के माटी की महक इसमें झलक रही है। अच्छा, एक और बात थी जी, आप जो 100 वुमेंस में आपका जो चयन हुआ था, उसको लेकर क्या सोचते हैं? आपने किस दिशा में अचीवमेंट किया? देखिए, सम्मान रास्ते में रहा मैं अपने आप, मेरा काम है सिर्फ कर्म करना। और अगर मुझे चुना गया है तो देश में जो नारी को प्रेरणा मिलनी चाहिए उसके लिए, और उनतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। और अगर अचीवर है, पर हम तो रहा के साथ में सफ़र है, ये सफ़र चल रहा है। और आने वाली पीढ़ी को और जितनी भी महिलाएं हैं जो ऐसा सोचती हैं कि हम नहीं कर सकते, उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और कार्य को सतत करना होगा, तभी एक सफलता मिलेगी। और ये जो भी सम्मान मुझे मिले हैं, ये है मेरी राह में मुझे आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना। ईमानदारी से किए गए कार्य जरूर सफल होंगे। इन दिनों जो महिला लेखन चल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ महिला लेखन की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ लेखन की बात करूँगी। महिलाएं भी लिख रही हैं, पुरुष भी लिख रहे हैं, पर मेरा मानना है कि लेखन वो किया जाए जो समाज की संवेदनाओं को आगे बढ़ाए, उसको उजागर करे, पाठकों को उससे जोड़े, न कि सपाट बयानी या उल फुल लिख के समाज को दिशा प्रदान करे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।